हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में अध्याय आपका 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक ही वीडियो में सब इम्पोर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपको बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न तक जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते एग्जाम के लिए, सब कुछ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बच्चों वो सेलेक्ट किया गया है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आप देख पाएंगे, इतने साल से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में भी उसी में से क्वेश्चन आपको दिखेगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले, उसको आपको 100% तैयार करना, वो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रश्न वही अब बताया जाएगा जो आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% आएगा, ठीक है। यानी दोस्तों एक भी आपको क्लास अब मिस नहीं करना है और जितने बताते चले उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम चैनल को भी जो है आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ आप सभी बच्चों को बताते चले, अगर आप सब जो नए बच्चे हैं आपको बताते चलेगा, आप अगर आप सचमुच में तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड के हम 2024 में कि आप चाहते हैं कि 85% प्लस इसको हो जाए, ठीक है, तो आपको सिंपल से काम करना होगा। आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, इसका जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। और ये जो ग्रुप बनाया गया ये बिल्कुल आप सही की पढ़ाई के लिए बिल्कुल फ्री बनाया गया, इसमें जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम शेयर कर देते हैं ताकि आप एक भी क्लास ना छूटे। साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्लास का जो PDF हमें देना होता है, ठीक है, वो भी हम आपको कहाँ शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी स्टूडेंट को अनिवार्य है और इसका भी इस क्लास का भी PDF जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे रोजाना की तरह। और जो पुराने बच्चे जो एक हफ्ते 10 दिन या 2 महीने बाद देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा और टेलीग्राम के फाइल वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। आप स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको PDF ये वाला चैप्टर का दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ध्यान समझिएगा और जो क्वेश्चन को बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए, उसको आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयार कर ले रहा है, ठीक है। आपको सभी को बच्चों को बताते चले कि इसके पिछले यानी कि दोस्तों आपको हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो है हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो है प्लेलिस्ट हम यहाँ पर लगा देंगे और प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे सभी वीडियोज आपको दिख जाएंगे बारी बारी से, वहाँ से आप देख सकते हैं और उन क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आपको हमने चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 4 है आपके गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। उसमें क्या था, विद्युत आवेश था और इसमें क्या हो जाएगा आपका गतिमान आवेश रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा आपका चुंबकत्व हो जाएगा। उसमें स्थिर विद्युत था लेकिन इसमें आवेश क्या होगा आपका गतिमान रहेगा, बस इतना ही। लेकिन इन पहले वाले चैप्टर को मिलाकर पढ़ेंगे तो चीजें बहुत ही आसान आपको लगेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं बच्चों बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी को आपसे वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा टिक, ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर बात करें दोस्तों तो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो इस बार भी तैयार करिएगा, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार इसमें 2022 में भी आपको 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था और 23 में जो है आपका 3 क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आपको तैयार यहाँ पर कर लेनी है और इनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस बार हर क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा गया है, आपको तैयार करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न हम लोग देखना शुरू करते हैं जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे अति लघु उत्तरी प्रश्न भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी इससे 5 से लेकर के 8 अंक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ कहा कि लॉरेंस बल क्या है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको टिक लगाते चले उसको आपको तैयार करते हुए चलना। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी आप मिलाकर टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF हम आपको दे देंगे, उसमें आपको कर लेना है। अब ध्यान सुनेगा बच्चों, यहाँ पर आंकिक प्रश्न भी आपको उतना ही पूछेगा जितना आपका थ्योरी पूछेगा, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न के लिए आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आपका चैप्टर वाइज हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम आपको आंकी पढ़ाना और इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे। फिलहाल में आंकी जो दे रहे हैं उसको आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 14 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुविकल्पी अच्छे से आपको
अति लघु उत्तरीकरण सभी क्वेश्चन आपको देख लें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये पूछा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का भीमी सूत्र आपसे पूछा हुआ, जो कि ये इंपॉर्टेंट, और 2023 में क्या पूछा था, 2023 में 1/ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा था, ये 2023 के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन क्या बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये तैयार करिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ठीक, और ये 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एमपीए का परिपत्ति नियम किसे कहते हैं, बिल्कुल इसको आपको तैयार करना ही करना है, इसको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना, ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको दो अंक में जितने भी क्वेश्चन दिख जाते हैं बच्चों, वो सभी क्वेश्चन आपको क्या कर लेनी है, तैयार करनी है। यहाँ पर हम आपको टिक लगा देते हैं कि आपको इन सभी क्वेश्चन को आपको आपको क्या करनी है भाई, तैयार करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये सभी एक अंक वाले सभी क्वेश्चन क्या है आपके इंपॉर्टेंट, और सभी आपको करना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं दो अंक वाले क्वेश्चन, तो लघु उत्तरी प्रश्न का बोर्ड एग्जाम दो अंक में क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें भी आप क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान सुनेगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका आंकिक प्रश्न बनता है, आंकिक प्रश्न बनता है, तो इसमें आपको आंकिक प्रश्न क्या करना होगा, रिविजन करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसका देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, वो दिया ही दिया है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करना है। आपसे हमने बार बार कहता हूँ कि आंकिक प्रश्न या तो आपका नसीब अच्छा रहा तो आपके पेपर में सेम पूछा जाएगा, या फिर थोड़ा सा डेटा बदल करके चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी, वही फार्मूला वही सूत्र आपको लगने हैं। ठीक है, आप आंकिक पर जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे चीज़ें आपके हाथ में होंगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों ये देख सकते हैं, इसको आप लोग आप सभी लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये 3 साल लगातार पेपर में 18, 20, 22 में आया है, तो ये आपके 24 में एग्जाम में आ सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आपके लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको 3 अंक में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 3 अंक में भी आप ध्यान सुनेगा, 3 अंक में भी आपको आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आंकिक प्रश्न बहुत बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स है तो आंकिक प्रश्न आना ही आना, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है बच्चों, यहाँ देख पाएंगे कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निगमित करना है, और ये बायो सेवर्ट का नियम को समझाइए, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। अब देख सकते हैं इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम 2017, 18, 20 में पूछा था, और ये वाला क्वेश्चन 2014, 16, 19, 20 और ये 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको तैयार करना है, इसको आप सभी लगाएंगे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाना, और हो सकता है कि आपको 2024 के भी पेपर में किसी न किसी सेट में आइए दिख सकता है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न, हमने आपको बताया था कि 2 और 3 अंक में सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आंकिक प्रश्न क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ये आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आप पर निर्भर करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपके 5 अंक में, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत एवं कार्य विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए, साइक्लोट्रॉन की सीमाओं का उल्लेख करना, ये 2017 के बाद क्वेश्चन नहीं आया, बट एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है, ये आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा, कहता है कि बायोसेवर्ट नियम को शब्दों तथा सूत्रों में आपको लिखना है, या बायोसेवर्ट नियम का उल्लेख किए, देख सकते जस्ट वो भी बायोसेवर्ट का था और ये भी देख सकते हैं बायोसेवर्ट में है, तो ये आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, वो किसके लिए था, वृत्ताकार के लिए था, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपने हाई स्कूल में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, आपने बहुत बार इसको किया भी होगा। इसका दोस्तों जो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपको 2024 के लिए किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, इसको तैयार करना कि एमपीए का परिपत्ति नियम क्या है। जैसे कि पहले वाले चैप्टर में आपका गॉस का नियम होता था, इसमें क्या एम्पियर का परिपथ नियम है, एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करके एक अनंत, उसमें क्या था, एक उसमें भी अनंत था, इसमें भी था। ठीक है, अनंत लंबाई की सीधे धारावाही
चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको स्थापित करनी है। ये देख पाएंगे आपको 2014, 19, 20, 22 और ये आप टिक कर लीजिएगा 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना और वेरी 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 इंपॉर्टेंट और 2024 के पेपर में किसी न किसी सेट में मिल जाएगा, इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा और इसको भी आप लगाइएगा। ये 2024 बोर्ड एग्जाम पेपर में भी ये आपको किसी दूसरे सेट में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 5 अंक में। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा भी आपको देनी है, ठीक है। ये आपको 5 अंक में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा और इसका ये निगमन यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसका दो क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल टाउ इक्वल टू आपको NIAB होता है प्रतीकों के समान अर्थ दिया। ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार करिए, हो सकता है 2024 में रिपीट कर जाए, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार करना, इसको छोड़ना नहीं है। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि आपका 20 के बाद ये पूछा नहीं गया, बट एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि चल कुंडल धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यह आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि का आपको वर्णन करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका देख पाएंगे कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन 2022 में आया तो इंपॉर्टेंट है कि किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे हम परिवर्तित करें उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये बच्चों थ्योरी है, अगर पढ़ेंगे ना तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल आसान से लिख पाएंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा जो कमजोर विद्यार्थी उनके लिए, ठीक है। इसका दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनो को एक वोल्ट मीटर में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। अब देख सकते हैं यही क्वेश्चन वहां पर भी परिवर्तित, यहां भी परिवर्तित करने के लिए दूसरे सेट में 2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। और ये दोस्तों आज की क्लास है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक इसमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आगे का व्यंजक प्राप्त करने, जस्ट जो हमने आपको बताया था, और यहाँ पे एक आंकिक इसमें आपको दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, और जो बन सकते हैं वो हमने आपको करवाया है। बाकी कुछ क्वेश्चन बच्चों जो रह जाता है, जैसे 2023 में कुछ क्वेश्चन हैं या फिर हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चन और भी बुक से मिल जाते हैं, तो उसको आने वाले समय में हम आपको करवा देंगे। बट अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए सफिशियंट है, इतने में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। बाकी आने वाले समय बहुत सारे फिजिक्स में मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, एक अंक वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, दो अंक वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का आंकिक प्रश्न के लिए डाउट है, तो बिल्कुल आंकिक प्रश्न भी हम लेकर के आएंगे और ज़्यादा ज़्यादा आंकिक प्रश्न इंपॉर्टेंट आप सभी को सॉल्व करवाएंगे, ताकि एग्जाम में आए तो आप सभी आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर पाए, ठीक है। फिर भी हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सभी को हमने व्हाट्सएप नंबर चैनल का दे रखा है, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अर्थात कहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत जुड़ जाइएगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद PDF आपको यहीं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और सभी क्लासेस जो भी चलते हैं इसका लिंक भी हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, तो जुड़ना आप सभी को, और बिल्कुल फ्री में, आपको 1 रुपया भी खर्च यहाँ पर नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जो नए स्टूडेंट हैं 9451094356, ठीक है, 9451094356। ये बच्चे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट एक आप सभी को बना करके चलना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको लाना कितना है, ठीक है। जैसे कि आपको 80% लाना है, 85% लाना है, कि 90% लाना है, जो भी लाना है, अगर आप टारगेट बना करके चलेंगे तो चीज़ें आपके हाथ में होंगी। अब जैसे आपने 85% का मन बनाया, 90% आपने सोचा टारगेट बनाया हुआ है, तो आप उस तरीके से आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, ठीक है।
तो ये टारगेट होना चाहिए और सभी स्टूडेंट का, जितने भी हमारे प्यारे छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट का एक टारगेट जरूर होना चाहिए कि आप 85% लाना चाहते हैं या 90% लाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे आज आप टारगेट अगर सचमुच में अगर आप टारगेट बनाएंगे तो आपका पढ़ाई का भी स्तर बढ़ जाएगा और पढ़ाई का समय भी आपका बढ़ जाएगा और क्वेश्चन पढ़ने की स्थिति भी आपकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब तक आप बोर्ड एग्जाम के लिए एक टारगेट नहीं फिक्स करेंगे हमें लाना कितना है, तब तक आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको दिशा नहीं पता है कि हमें किस दिशा में और कितने हद तक जानी, इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा। बाकी क्लास का बच्चों टाइम वही है आपका, सुबह में भी एक क्लास इंपॉर्टेंट मिल जाएगा 6:45 पर, ठीक है, सुबह में 6:45 पर एक क्लास मिल जाएगी और शाम को आपका 6 बजे चलता ही चलता है, शाम को 6 बजे आपका रोजाना, ये दोनों रोजाना क्लास चलेगा। बाकी आप सभी और सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि और भी चैप्टर वाइज, यानी जैसा कि सभी सब्जेक्ट हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आप सभी को बताना शुरू कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास और बढ़ा देंगे, वो रहेगा आपका 7 बजे, ठीक है। तो आपको करना क्या, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो ताकि सभी बच्चे आ सकें और क्लासेस और भी बढ़ाए जा सके और जल्द से जल्द पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप सभी को हम प्रोवाइड कर दें ताकि आपके पास समय हो जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूरा क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके बता रहे हैं और इसी में से आपको पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। तो आज का बच्चों सेशन यही समाप्त करते, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।